हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम इस पूरे चैप्टर को एनिमेशन के जरिए समझेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम, यानी हम डेमोक्रेसी के आउटकम को कैसे असेस करते हैं। डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप जैसे अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है, क्योंकि पहला, यह सिटीजन्स के बीच इक्वलिटी प्रमोट करता है। दूसरा, यह एक इंडिविजुअल के डिग्निटी को इन्हेंस करता है। तीसरा, यह डिसीजन मेकिंग क्वालिटी इम्प्रूव करता है। चौथा, यह कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का तरीका प्रोवाइड कराता है। और पांचवा, यह गलतियों को सुधारने का मौका देता है। अब सवाल यह है कि क्या डेमोक्रेसी इन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करती है। जब हम अपने आसपास के लोगों से बात करते हैं तो उनमें से अधिकांश लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से लोग डेमोक्रेसी से सेटिस्फाइड नहीं हैं। इसलिए हमारे सामने एक द्विधा है कि डेमोक्रेसी को प्रिंसिपल यानी नियम कानूनों में अच्छा माना जाता है, लेकिन उसको इतने अच्छे से प्रैक्टिस किया जाता है। दुनिया के 100 से ज़्यादा कंट्रीज डेमोक्रेटिक होने का दावा करते हैं। इन सब कंट्रीज में कुछ कॉमन चीज़ें हैं, जैसे उनके पास एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है, वे इलेक्शन कराते हैं, उनके पास पार्टीज है और वे सिटीजन्स के राइट को गारंटी करते हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें अलग भी है इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, जैसे सोशल सिचुएशन, इकोनॉमिक अचीवमेंट और इन कंट्रीज़ के कल्चर में भी बहुत डिफरेंस है। कोई भी कंट्री क्या अचीव कर सकती है, क्या अचीव नहीं कर सकती, ये इन डिफरेंस के कारण बहुत अलग अलग होगा। लेकिन क्या ऐसा कुछ है जिसकी हम हर डेमोक्रेटिक कंट्री से उम्मीद कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी के प्रति हमारा इंटरेस्ट और फैसिनेशन हमें अक्सर एक स्थिति में डाल देता है जहाँ हम ये सोचते हैं कि डेमोक्रेसी सभी सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम का हल कर सकती है, और हमारी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम डेमोक्रेसी के आइडिया को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, या ये सोचने लगते हैं कि हम डेमोक्रेसी में रह भी रहे हैं या नहीं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि डेमोक्रेसी बस एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यह सिर्फ कुछ अचीव करने के कंडीशन को क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। कुछ चीज़ें हैं जो डेमोक्रेसी को प्रोवाइड करानी चाहिए, जैसे लोगों को अपने रूलर को चुनने का अधिकार होना चाहिए और लोगों का रूलर पर कंट्रोल होना चाहिए, और साथ ही सिटीजन्स को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट होने का अधिकार होना चाहिए। डेमोक्रेसी का सबसे बेसिक आउटकम यह होना चाहिए यह एक ऐसे गवर्नमेंट प्रोड्यूस करे जो अकाउंटेबल टू द सिटीजन हो और सिटीजन्स के नीड्स और एक्सपेक्टेशंस के प्रति रिस्पॉन्सिव हो। इस पर बात करने से पहले हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की इफिशियंसिस पर बात करेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि डेमोक्रेसी लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है क्योंकि इसके डिसीजन मेकिंग में समय लगता है, वही नॉन डेमोक्रेटिक रूलर को डिसीजन लेते समय असेंबलीज और पब्लिक ओपिनियन की चिंता नहीं रहती, इसलिए वे क्विक और एफिशिएंट डिसीजन ले पाते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी नेगोशिएशन और पब्लिक ओपिनियन के आइडिया पर बेस्ड होती है, इसलिए डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा समय लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट है। आइए कॉस्ट के टर्म में समझते हैं। एक ऐसी गवर्नमेंट इमेजिन करो जो बहुत जल्दी डिसीजन ले, लेकिन वो डिसीजन लोगों द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है और इसलिए वो मुश्किलें फेस करती है। अक्सर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेती है प्रोसीजर्स फॉलो करने में डिसीजन लेने से पहले, लेकिन क्योंकि वो प्रोसीजर्स फॉलो करती है इसलिए उसके डिसीजन लोगों के द्वारा ज़्यादा एक्सेप्टेबल और इफेक्टिव हो सकते हैं। अब दूसरी ओर देखें तो डेमोक्रेसी यह इंश्योर करता है कि डिसीजन नॉर्म्स और प्रोसीजर पर बेस्ड होंगे। तो अगर कोई सिटीजन यह जानना चाहे कि कोई डिसीजन सही प्रोसीजर के थ्रू लिया गया है या नहीं, तो वह इसको पता कर सकता है। उसके पास राइट है कि वह डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को एग्जामिन करे, तो इसी को हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। यह चीज़ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अक्सर मिसिंग होती है। इसलिए जब हम डेमोक्रेसी के आउटकम्स को देख रहे हैं तो ये एक्सपेक्ट करना सही है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट प्रोड्यूस करे जो प्रोसीजर फॉलो करे और जनता के लिए अकाउंटेबल हो। हम यह भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक मैकेनिज्म डेवलप करे जिसे सिटीजन्स गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखे और जिसे सिटीजन्स डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके। अगर हम डेमोक्रेसी को एक्सपेक्टेड आउटकम के बेसिस पर मेजर करना चाहें तो इसे हम रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसीज एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसी प्रैक्टिसेस को देखते हैं।
एक्चुअल में डेमोक्रेसी को रेगुलर एंड फ्री इलेक्शन को सेटअप करने में और ओपन पब्लिक डिबेट के कंडीशन को क्रिएट करने में सफलता मिली है। मोस्ट डेमोक्रेसीज तो अब तक ये दो चीजें भी नहीं कर पाई है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का रिकॉर्ड सिटीजन्स के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने में भी उतना अच्छा नहीं है। सिर्फ इतना कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कंपैरिजन में बेहतर है। असल में डेमोक्रेसी से हमें ऐसी गवर्नमेंट का उम्मीद करना सही है जो लोगों के नीड्स और डिमांड्स का ध्यान रखे और करप्शन फ्री हो, लेकिन डेमोक्रेसी का रिकॉर्ड इन दोनों एस्पेक्ट में अच्छा नहीं है। साथ ही नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी करप्शन के मामले में इनसे कम नहीं है। एक एस्पेक्ट है जिसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने अल्टरनेटिव से बेहतर है, वो ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट होती है, मतलब लोगों द्वारा मानी जाती है। ये स्लो है, लेस इफिशियंट हो सकती है, हमेशा रिस्पॉन्सिव या क्लीन नहीं होती, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों की अपनी गवर्नमेंट होती है, इसलिए दुनिया भर में डेमोक्रेसी को सपोर्ट मिलता है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हम डेमोक्रेसी से अच्छी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करते हैं तो हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वे डेवलपमेंट भी करेंगे। एविडेंस से पता चलता है कि प्रैक्टिस में कई डेमोक्रेसी इस एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करती। अगर हम 1950 से 2000 तक के 50 साल के दौरान सभी डेमोक्रेटिक और डिक्टेटरशिप को कंसीडर करें तो डिक्टेटरशिप का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट स्लाइटली हायर है। डेमोक्रेसी के लिए यह चिंता का विषय है, लेकिन सिर्फ इस एक कारण की वजह से डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कंट्री की पॉपुलेशन साइज, ग्लोबल सिचुएशन ETC। हालांकि डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी वाले लेस डेवलप्ड कंट्रीज के बीच रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेग्लेजिबल है। ओवरऑल हम यह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी इस मामले में डिक्टेटरशिप से पीछे नहीं रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक है रिडक्शन ऑफ इनइक्वेलिटी एंड पॉवर्टी। डेवलपमेंट से ज़्यादा हमें डेमोक्रेसी से इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज रिड्यूस करने का एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, क्योंकि जब कोई कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करता है, लेकिन क्या धन सारे सिटीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि सब लोग बेटर लाइफ जी सके। डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वलिटी पर बेस्ड होती है, सभी लोगों को रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने का इक्वल राइट है। लेकिन जब हम सभी लोगों को पॉलिटिकल एरिना में लाते हैं तो वहाँ कुछ अमीर लोगों के पास ही धन का ज़्यादा हिस्सा होता है और उनका शेयर कंट्री के टोटल इनकम में बढ़ रहा है, और वहीं सोसाइटी के निचले स्तर के लोगों का इनकम कम होता जा रहा है। कभी कभी उन्हें अपना बेसिक जरूरत पूरा करना भी मुश्किल हो जाता है, जैसे फूड, क्लॉथिंग, हाउस, एजुकेशन ETC। डेमोक्रेसी इकोनॉमिक इनइक्वेलिटीज को कम करने में भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। पुअर लोग ही हमारे वोटर्स का बड़ा हिस्सा होते हैं और कोई भी पार्टी उनके वोट्स को खोना नहीं चाहेगी। फिर भी डेमोक्रेसी से चुनी गई गवर्नमेंट गरीबी के मुद्दे को एड्रेस करने में उतना इंटरेस्टेड नहीं रहती। कुछ और कंट्रीज में ये हालत और भी ख़राब है, जैसे बांग्लादेश में आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन गरीबी में रहती है। कई पुअर कंट्रीज के लोग अब फूड सप्लाई के लिए भी रिच कंट्रीज पर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। यह एक फेयर एक्सपेक्टेशन होगा कि डेमोक्रेसी एक हारमोनियस सोशल लाइफ प्रोड्यूस करे। जैसा कि हमने पहले चैप्टर में देखा कि बेल्जियम ने अपने इथनिक डाइवर्सिटी को कैसे सक्सेसफुली रिजॉल्व किया है। अक्सर डेमोक्रेसी ऐसे कंपटीशन को कंडक्ट करने के लिए एक प्रोसीज्योर डेवलप करती है, इससे कन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। कोई भी सोसाइटी अलग अलग ग्रुप्स के बीच कन्फ्लिक्ट को परमानेंटली रिजॉल्व नहीं कर सकती, लेकिन हम इन डिफरेंसेस का रिस्पेक्ट करके इन कन्फ्लिक्ट को नेगोशिएट करने का मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हैं। डेमोक्रेसी इस आउटकम को प्रोड्यूस करने में सबसे बेस्ट है। नॉन डेमोक्रेटिक रेजाइम अक्सर अपने अंदर के सोशल डिफरेंसेस को इग्नोर करते हैं या सप्रेस करते हैं। सोशल डिफरेंसेस, डिवीजन और कन्फ्लिक्ट को हैंडल करने की कैपेसिटी डेमोक्रेसी के लिए एक प्लस पॉइंट है। लेकिन श्रीलंका का एग्जाम्पल हमें याद दिलाता है कि एक डेमोक्रेसी को इस आउटकम को अचीव करने के लिए दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। पहला, डेमोक्रेसी सिर्फ मेजोरिटी ओपिनियन का रूल नहीं है, मेजोरिटी को हमेशा माइनॉरिटी के साथ काम करने की आवश्यकता होती है। दूसरा, यह भी इम्पोर्टेंट है कि मेजोरिटी रूल कहीं मेजोरिटी कम्युनिटी रिलीजन रूल ना हो जाए। डेमोक्रेसी तब तक डेमोक्रेसी है जब तक हर सिटीजन को किसी पॉइंट पर मेजोरिटी बनने का मौका मिलता है। अगर किसी को उसके बर्थ के बेसिस पर मेजोरिटी में रहने से रोक दिया जाए तो डेमोक्रेटिक रूल उस पर्सन के लिए नहीं रह जाता है। लास्ट टॉपिक है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। इंडिविजुअल की डिग्निटी और फ्रीडम के मामले में डेमोक्रेसी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कई गुना बेहतर है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसको समाज में रिस्पेक्ट मिले। कई बार लोगों के बीच कन्फ्लिक्ट हो जाती है क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें सही तरह से रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है।
पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम ही डेमोक्रेसी का बेसिस है। दुनिया भर के डेमोक्रेसीज ने एटलीस्ट प्रिंसिपल में इसे रिकॉग्नाइज किया है। डिग्निटी ऑफ वोमेन का केस देखें तो पहले वर्ल्ड की मोस्ट सोसाइटीज मेल डोमिनेटेड थी। वोमेन के लॉन्ग स्ट्रगल के बाद आज कुछ सेंसिविटी क्रिएट हुई है कि वोमेन को रिस्पेक्ट करना और इक्वल ट्रीट करना डेमोक्रेसी का जरूरी पार्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा वोमेन को सच में रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाता है, लेकिन जब एक बार इस प्रिंसिपल को मान्यता मिल जाती है तो वोमेन के लिए स्ट्रगल आसान हो जाता है। और वहीं नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप में इसे लीगल बेसिस पर भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। यही बात कास्ट इनइक्वालिटी के लिए भी सही है। इंडिया में डेमोक्रेसी ने डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट के लिए इक्वल स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की डिमांड को मजबूत किया है। अभी भी कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी मौजूद है, लेकिन इसका कोई मॉरल और लीगल बेस नहीं है। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को जज करने के लिए क्राइटेरिया का काम करता है। डेमोक्रेसी का सबसे खास बात यह है कि इसका एग्जामिनेशन कभी खत्म नहीं होता है। जब डेमोक्रेसी एक टेस्ट पास करता है तो दूसरा टेस्ट सामने आ जाता है। जब लोग डेमोक्रेसी के बेनिफिट को देखते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन और भी बढ़ जाती है और वो डेमोक्रेसी को और बेटर बनाना चाहते हैं। इसलिए जब हम लोगों से डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग के बारे में पूछते हैं तो वो हमेशा एक्सपेक्टेशन और कंप्लेंट लेकर आते हैं। फैक्ट यह है कि लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, यह अपने आप में डेमोक्रेसी के सक्सेस को शो करता है। हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।